सबको हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमलेश चौहान है और मैं ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं बना रहा हूँ। अगर जो आप मनोरंजन की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काम की नहीं है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो यूट्यूबर हैं और जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, सॉन्ग एडिट करते हैं, रिमिक्सिंग करते हैं, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं जो वो सब पुरान हो चुके हैं और मैंने नया कंप्यूटर ख़रीदा है जो इसका परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर जो आप एडिटर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं आपको अपना कंप्यूटर दिखाता हूँ जो मैंने ख़रीदा। ये कंप्यूटर है 3 लाख का और ये बहुत ही अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या क्या है। इधर लेके आ जाओ, ये इसका ग्लास है जो बहुत ही मोटा है और बहुत ही वेटी है। अब मैं आपको इसके अंदर का सारा सिस्टम बताऊंगा। इस कंप्यूटर में क्या क्या सामान है मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या चीज़ है जो मैं जो पहले कंप्यूटर पर काम करता था वो मेरा डेल का कंप्यूटर था, i7 जनरेशन का था और उसमें 4 GB ग्राफिक कार्ड था, 16 GB रैम था। लेकिन वो जब मैंने नया उसको ख़रीदा था तो वो काफ़ी हद तक सही था, एकदम अच्छा काम करता था। लेकिन आज उसे मुझे ख़रीदे हुए कम से कम 5 साल से ज़्यादा हो गया तो वो अभी भी चलता है मेरा वो कंप्यूटर, लेकिन अब वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाता है एडिटिंग के टाइम में। और ये जो है, मैं उस पुराने वाले कंप्यूटर में जब काम करता था तो मेरा 5 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो कम से कम 2 घंटे लग जाते थे। 10 मिनट का, 5 मिनट का, 40 मिनट, 50 मिनट लगता था। लेकिन इसमें मेरे 15 मिनट की वीडियो 3 मिनट से अंदर में एक्सपोर्ट और रेंडर सब कुछ हो जाता है और कलर करेक्शन कुछ भी करो इसमें कुछ समस्या नहीं आता है, एकदम परफेक्ट काम करता है। तो इसमें क्या क्या सामान है मैं आपको बताता हूँ। MSI का मदरबोर्ड है और ये मेरा रैम है। रैम मेरे पास दो रैम लगाया है जो 16 GB का है, जो 32 GB हो गया। और फिर ये जो ग्राफिक कार्ड है RTX का है, ये मेरा 12 GB का है। ये मेरा क्या बोलते हैं, हाँ, ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड मुझे लॉकडाउन में ज़्यादा महंगा पड़ गया, नहीं तो ये 88 हज़ार का था और ये लॉकडाउन की वजह से मुझे ये पड़ा 1,14,000 का। और फिर मेरा प्रोसेसर जो है इसका भी i7 ही है, लेकिन ये i7 10 जनरेशन का है, इंटेल। मैंने राइजन का प्रोसेसर मैंने लेने के लिए बोला था, फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो राइजन का प्रोसेसर उतना, वो जो एडोब प्रीमियर प्रो है इसके लिए उतना सुटेबल नहीं है। वो जो एडोब की जो कंपनी है वो लोग कहते हैं कि हम लोग इंटेल की प्रोसेसर पे, मतलब उनका जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा अच्छा परफेक्ट रन करता है, इसलिए मैंने राइजन का प्रोसेसर ना लेके इंटेल का प्रोसेसर लिया, तो i7 10 जनरेशन का है। और मेरा जो पावर सप्लाई है वो 750 वाट का है और मैंने इसमें 1 TB SSD कार्ड लगाया है और 2 TB हार्ड ड्राइव लगाया है। और ये मेरा कंप्यूटर बहुत ही अच्छा है। मैंने इसमें 3 लाख रुपया खर्चा किया, लेकिन ये जब मैं इसे चलाता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे वो 3 लाख रुपया ज़्यादा नहीं लगता है। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि ये कितना फास्ट काम करता है। मेरा जो पुराना कंप्यूटर था, मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं जो मैंने 4 को मतलब ख़रीदते गया और वो हटते गए, अभी वो 4ों हैं, चल रहे हैं, कोई बात उनसे कोई समस्या नहीं, लेकिन वो इसके बराबर काम नहीं कर पा रहे हैं। कलर करेक्शन जब मैं कलर करेक्शन करता था तो वो कंप्यूटर स्लो चलते थे और उनमें क्या होता था कि कलर करो तो 2-4 मिनट बाद उसका कलर आता था, ठीक से कलर नहीं, मतलब पूरा चीज़ उससे अच्छा नहीं हो पाता था। अभी इससे बहुत अच्छा होता है। मैं आपको इसको लाइव चला के भी दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, दूसरी वीडियो में चला के दिखाऊंगा। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो ना करना। और ये क्या कहते हैं उसको, ये आपकी इंजॉय के लिए वीडियो नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूबर के लिए है और जो वीडियो एडिट करता है उसके लिए है। अगर जो वीडियो एडिटर हो आप, तो आपको जो कुछ जानकारी चाहिए मुझसे तो मुझसे ले सकते हो, क्योंकि मुझे मैं यूट्यूब पर कम से कम मुझे 6 साल हो गया काम करते हुए और मैं 6 साल से लगातार वीडियो एडिट कर ही रहा हूँ। हर टाइप की वीडियो मैं एडिट करता हूँ,
तो मुझसे अगर जो कुछ आप जानकारी चाहते हो कंप्यूटर से रिलेटेड या कुछ भी, तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ना अच्छी लगी तो कोई बात नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।